अस्सलामु अलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की पेंटिंग सीखना चाहते हैं, बेडशीट पे अपने हिसाब की पेंटिंग, अपने मन चाही पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बेडशीट पेंटिंग, जो कि मैंने आपको इसका जो ड्राइंग होती है वो मैंने पहले ही दिखा दी थी। पिल्लो को और भी बना के मैंने दिखाया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ और भी बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको फ्लावर करना बताएंगे, और फ्लावर तो मैंने बताया था लेकिन इसमें भी मैं बता रही हूँ, और साथ ही मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें भी बता रही ताकि आपको शेड देने में थोड़ी आसानी हो जाए कि किस तरह से हम ब्लैक कलर का शेड दें कि हमारा शेड अच्छा बने। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 नंबर का ब्रश लिया है और 3 नंबर का भी ब्रश लिया है मैंने, साथ ही बस इससे थोड़ा सा और ज़्यादा है वो ब्रश, और हम पानी भी लेंगे साथ में और अपना जो कलर हमारा लगाना है हमें वो कलर लेंगे। जैसे कि मैंने इसमें रेड कलर लगाया है, पिलो में मैंने बताया था कि रेड कलर में हम शर्ट ब्लैक कलर का देंगे, तो इसमें मैं वो बताने वाली हूँ कि किस तरह से ब्लैक कलर का शेड दे कि हमारा ब्लैक कलर ज़्यादा ना हो और हमारा शेड वो आसानी से बन जाए और कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि हम ब्लैक कलर का शेड देते हैं तो हमें अच्छे से जो हमारा रेड कलर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसे फिल करने में, मतलब कि शेड को शेड में मिक्स करने में हमें अच्छे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें हम यही बताने वाली हूँ मैं कि किस तरह से दे कि जल्दी बन जाए हमारा शेड और हमारी पेंटिंग भी अच्छी दिखे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैंने कैप में रखा हुआ है ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, तो वो बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं है। ब्लैक कलर में हमने लिया है थोड़ा सा ब्लैक कलर और मरून कलर लिया हुआ है, दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर लिया है। हमारा ज़्यादातर मरून कलर रहेगा, जैसे 1 चम्मच हमारा मरून रहेगा तो उसका 1/4 ब्लैक रहेगा। जैसे 1 चम्मच का हम 4 हिस्सा करेंगे तो उसमें से 1 हिस्सा हमारा ब्लैक रहेगा और पूरा 1 चम्मच हमारा मरून रहेगा। और जब दोनों को एक दूसरे कलर में मिक्स करेंगे हम तो हमारा शेड का बिल्कुल परफेक्ट कलर बन जाएगा, जिससे हमें शेड देना रहेगा और उसे फील करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ना ज़्यादा होगा ना कम। हमें ब्रश में लेना है और उसकी आउटलाइनिंग बनानी है और शेड में रेड कलर के शेड में मरून कलर, जो ब्लैक कलर का शेड हमारा मरून ब्लैक का रहेगा, उसको थोड़ा सा फील कर देना है और इस तरह से हमारे शेड अच्छे से बन जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फ्लावर में शेड दिया हुआ है और यहाँ पर मैं कली बना रही हूँ और कली में भी शेड दे रही हूँ, काफ़ी आसानी से दे रही हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। बस हमें थोड़ा सा बस रेड कलर पे मिक्स करना रहता है और हमारा शेड अच्छे से बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा सा नोक पे लिया है ब्रश के और इस तरह से लाइनिंग बनाऊंगी और इस तरह से दोनों कलर को मिक्स कर दूँगी और इसी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो हमारा कलर अच्छे से, जो हमारा शेड है वो बन जाएगा। और अगर हम यही ब्लैक कलर लेते हैं और उससे बनाते हैं तो कहीं ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इस तरह से इसमें वो बात नहीं रहती है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शेड देने में। और ब्लैक कलर का शेड देने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि वो थोड़ा डार्क हो जाता है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर रेड कलर लेंगे फिर उसमें मिक्स करेंगे, तो ये चीज़ करने पर हमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारा शेड भी अच्छा सा बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं शेड हमारा कितना अच्छा सा बन गया है। बस इसी तरह से हमें अपने पेंटिंग में शेड देने हैं और थोड़े दोनों कलर को हम मिक्स कर लेंगे, हमारा खुद ही शेड बन जाएगा, इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से देख सकते हैं मैंने कली किस तरह से बनाई है, पहले ऊपर की पंखुड़ी बनाई फिर उसके बाद ये बीच की पंखुड़ी बना रही हूँ। और इस तरह से बनाने में हमारी पंखुड़ी में क्या है कि बहुत फिनिशिंग आती है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसी तरह से आप अगर अपने पेंटिंग पे ध्यान देंगे तो आप भी अच्छी से अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 नंबर ब्रश लिया है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी टाइम लग रहा है लीफ को, जैसे हमारी पंखुड़ी है उसको फील करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर आप इस जगह 4 नंबर ब्रश लेते हैं या फिर 3 नंबर ब्रश लेते हैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा चौड़ा होता है ब्रश और ये थोड़ा पतला है, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। अगर वो चौड़ा ब्रश रहेगा तो जल्दी बनेगा। और हम पतला ब्रश यूज़ इसलिए करते हैं, जो हमने थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमाव रखा है
पंखुड़ी में, पतले ब्रश से बनाने में वो चीज़ बनाने में आसानी होती है। इसके लिए हम 2 नंबर का ब्रश यूज़ करते हैं, जैसे कॉर्नर वगैरह की जो जगह होती है वो 2 नंबर से ही आराम से बनती है, और जो फैली हुई जगह रहती है, बड़ी जगह रहती है, जैसे अब हमें बीच का हिस्सा भरना है और सिर्फ फील करना है उसमें भरना है, तो हमें चौड़े ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कॉर्नर वगैरह में अगर शेड देना है डार्क कलर का, तो उसमें हमें पतले ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फिल करने के लिए 3 नंबर ब्रश लिया है। इसी तरह से अगर आपको फिल करने में टाइम लग रहा है, तो इस तरह से 3 नंबर ब्रश 4 नंबर ब्रश यूज़ करके फिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी पेंटिंग बनाती हूँ, और जिस तरह से बनाती हूँ आपको भी बताती हूँ, इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगा और आप भी अच्छे से बना पाएंगे। और इस तरह से आप शेड को नीचे से लगाने के बाद ब्रश को राउंड 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 रफ करेंगे, तो आपका शेड काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी पंखुड़ी में कैसे अच्छे से कलर मिक्स हुआ है और कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो बस इसी तरह से आप भी शेड दें और आपका शेड अच्छा बनेगा। तो ये हमारा वेट शेड है, और इसी फ्लावर में अगर आप ड्राई शेड भी देना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, और उसमें हमारा शेड इस तरह से मिक्स होकर नहीं आएगा, जो ड्राई शेड रहेगा वो उभर के दिखेगा, ऊपर की तरफ पतली पतली लाइनिंग दिखेगी उसमें, उसको हम ड्राई शेड बोलते हैं। और जो हमारा एक दूसरे में कलर मिक्स होकर शेड हो जाता है उसको हम वेट शेड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, आपको थोड़ा समझ आया या नहीं समझ आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपको बताने की। तो फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।